सो हे गाइस, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। सो गाइस, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं गाइस, अगर जो आप टूल्स लेने जाते हैं तो क्या करते हैं उसमें, यानी कि जो माइलेज टेस्टिंग जो कैन होता है उसको भी लेते हैं। तो गाइस, उसको ना लेते हुए मैं आपको बताऊंगा अपने शॉप पे बिना पैसे खर्च किए माइलेज टेस्टिंग कैन जो होता है उसको कैसे बनाएं घर पे, यानी कि घर पे बना सकते हैं और अदरवाइज अपने शॉप पे भी बना पाओगे। तो गाइस, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी ऐसे बाइक रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको करना क्या है, एक स्प्राइट बॉटल लेना है जो कि जैसे देख पा रहे कुछ इस तरीके की स्प्राइट बॉटल है। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से इतना, अगर जो आपके पास बॉटल है कुछ इस तरीके का, तो आप क्या करना है इसको ले लेना है। तो लेने के बाद में तो गाइस इसको क्या करना है, इसको निकाल लेना। तो गाइस यहाँ पे जैसे देख पर इसका जो ढक्कन होता है ये, इसको क्या करना है निकाल लेना। निकालने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ इसको ड्राइवर की मदद से क्या करना है, इसको होल कर लेना है। तो चलिए इसको होल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, इसको होल करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से एक वाल लेना है। ये वाल क्या है, जो ट्यूब में लगा होता है, अगर जो कोई आपके पास ख़राब ट्यूब है उसका जो वाल है इसको निकालो। तो वाल को निकाल लेना है और इसी के साथ दोस्त आपको क्या करना है, यहाँ पे होल करना है, यहाँ पे होल करना है कुछ इस तरीके से ताकि बाहर आ जाए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करना है आपको। तो गाइस यहाँ पे जिस देख पा रहे हैं मैं कुछ इस तरीके से इसमें लगा रखा हूँ, ये देखिए गाइस। तो गाइस ये जो है हमारा, इसके अंदर एक होल करके इसको मैं फिट किया हूँ। फिट करने से पहले यहाँ पे जिस देख पा रहे ट्यूब को काट के दो इसमें वार्सल लगाए हूँ, ट्यूब का वार्सल लगाया जो काट के छोटा सा, इसमें वार्सल लगा के और एक वार्सल लगा के यहाँ पे जैसे देख पा रहे दो इसके ऊपर भी ट्यूब लगाया हूँ। ये देखिए गाइस, इसके ऊपर ट्यूब लगा के यहाँ पे एक 13 नंबर का जो नेट है इसको लगा के टाइट कर दिया हूँ। टाइट करने के बाद में गाइस यहाँ पे एक पेट्रोल का जो पाइप होता है उसको लगाया हूँ कुछ इस तरीके से, ये देखिए गाइस। तो गाइस कुछ इस तरीके से है और गाइस इसमें क्या करना है, भाई इसको बिल्कुल इजीली इसमें इस तरीके से टाइट हो जाएगा। आपको पेट्रोल क्या करना है, इसमें भर लेना है। इसमें पेट्रोल भरने के बाद में गाइस इसको क्या करना है, कुछ इस तरीके से बंद कर देना है। यहाँ पे गाइस ये लीकेज भी नहीं होएगा कुछ इस तरीके से बंद करने के बाद में। यहाँ पे जैसे देख पा रहे मैंने एक तार लेके इस तरीके से बनाया हूँ, ये देखिए कुछ इसको टांगने के लिए। तो गाइस आपको क्या करना है, हमारा जो लिंटर में तार बंधा होता है वो वाला है, आप कोई से भी लगा सकते हो, इसमें रस्सी भी लगा सकते हो, बट मैंने तार लगाया हूँ ताकि इसको इस तरीके से लगाया हूँ। आपको भी इस तरीके से बना लेना है। और गाइस इसमें से देख पा रहे आपको क्या करना है, एक पेट्रोल पाइप लगेगा और बाकी कुछ लगने वाला है नहीं, बिना पैसे के बिल्कुल फ्री वाला कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा आपको देना नहीं है। तो गाइस कुछ इस तरीके से बना के, जैसे कि आपका आपके इसी टंकी में कोई जंग लगा हुआ है या पेट्रोल जैसे कि चेक करना होता है, या तो जो हम आपका टंकी है उसमें पानी भरा है उसके बाद से बाइक मिसिंग कर रही है, तो आपको चेक करना है कि आपको प्रॉब्लम किस में आ रहा है। तो गाइस कुछ इस तरीके से अलग से पेट्रोल इसमें भर के इजीली उसमें लगा के कार्बोरेटर में इजीली तरीके से इसको चेक कर सकते हो। और माइलेज भी टेस्ट करने का गाइस इसी तरीके का होता है, लोग मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजीली कुछ इस तरीके से बना पाओगे। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसे बाइक रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए गाइस मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।